माँ थी, बहुत गरीब निर्धन थी, कुछ नहीं था उसके पास। उसका एक बेटा था। वह मां हमेशा दुखी रहती थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, इस बेटे का क्या होगा, इसका तो अभी जीवन शुरू हो रहा है। बड़ी दुखी थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक काम करा कि जंगल में तपोवन में एक पहुंचे हुए संत आए हैं, जा उनसे एक प्रश्न पूछ करके आ। उसने कहा मां तू क्यों मुझे जंगल में भेज रही है, संतों से क्या प्रश्न करना, वो बैरागी लोग वो सन्यासी लोग हमारी जीवन की समस्याएं, मां तूने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, ऐसे संस्कार तूने मुझे दिए हैं कि मैं अमीरी के कभी ख्वाब नहीं देखा करता हूं। माने कहा बेटा मैं मां हूं, तू मेरे कहने से एक बार उस संत के पास चला जा। बच्चे ने कहा तू कह रही है मां तो मैं जाऊंगा, मांगना कुछ ना, मैंने तुझे सिखाया है कि गरीबी के दिन जी लेना लेकिन किसी के सामने हाथ फैला, मांगना कुछ मत, बस जाना और एक प्रश्न पूछ के आना अपनी मां का। बच्चे ने कहा मां बोल क्या प्रश्न पूछना है। बोले जाकर के पूछना कि हे संत जी, हे मनीषी, हे साधु संत, हे महात्मा, जरा एक बात तो बता दो, मेरी मां ने पूछा है कि हमारे ये दुख के दिन कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे, और कुछ मत पूछना। ये मत पूछना कि दुख का दिन खत्म कैसे करूं। बड़ी स्वाभिमानी मां रही, भेज दिया उसने संत के पास। बच्चा चला, पूना से ही चला होगा, कहां से चला हूं बोलो, पुणे से चला, जहां की खा रहे वहीं की बजाओ, पुणे से चला हुआ बच्चा। पहले का जमाना था, पुराना जमाना था, गाड़ियां नहीं थी, और गाड़ियां थी तो गरीब के नसीब में गाड़ियां कहां होती, वह तो पैदल ही जाएगा, पैदल ही पैदल जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, मां की एक सौगात लिए चला जा रहा था, एक प्रश्न संत से पूछ करके आना है। बहुत दूर जंगल था, चला गया जंगल में, शाम होने लगी, रात गिरने लगी, गोधूली की बेला, पशु घर वापिस आ रहे हैं, वो पैदल जा रहा है, एक सेठानी के घर वो पहुंचा। सेठानी से कहा कि सेठानी तुम्हारा इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी हवेली है, मैं पैदल किसी संत के पास जा रहा हूं, क्या आज की रात तुम्हारे घर के बरामदे में गुजार सकता हूं। सेठानी बड़ी दयालु थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उसने कहा बेटा रात गुजारो, आओ विश्राम करो, रहो यहां आराम से। बोले रहना नहीं है, रात गुजारना है। सेठानी ने कहा सो जाओ। उसका रात में विश्राम कराया, सुबह जाने लगा तो सेठानी ने पूछा कि बेटा तुम ये तो बताओ तुम जा कहां रहे हो। बोले मैं एक संत के पास जा रहा हूं और मेरी मां ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का उत्तर लेने, बहुत बड़े संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उसका उत्तर लेने में जा रहा हूं। सेठानी ने कहा संत के पास जा रहे। बोले हाँ। बोले बेटा तू मां का प्रश्न लेके जा रहा है, एक प्रश्न मेरा भी पूछ आना। अरे उसने कहा भाई गरीब पूछे तो पूछे, ये अमीर पूछ रही है प्रश्न। बोले एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। लड़का बड़ा संस्कारी था, उसने कहा कि मां तेरे घर में मैंने रात बिताई है, जो प्रश्न कहेगी मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, प्रश्न ही तो पूछना है। बोले बस पूछ के आ जाना। बोले क्या प्रश्न है। बोले बस जाके संत जी से पूछना, मेरी जो बेटी है वो बोलती नहीं है, जन्म से नहीं बोलती है, इतना पूछना, मैं मां हूं, मेरी चिंता है ये बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, इसका विवाह होगा या नहीं होगा, दो ही चिंता रहती है माँ बाप को। बोले ठीक है सेठानी, मैं जाके जरूर पूछूंगा। आगे बढ़ा, जैसे ही चलते गया, 12:01 बज गए, प्यास लगी बड़ी जोर से, पानी की जरूरत थी उसे। क्या देखता है जंगल में एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हुए हैं। महात्मा से जाकर देखा कि महात्मा के कमंडल में जल भरा हुआ है। उसने महात्मा से कहा कि संत जी दो अंजलि पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। संत हृदय था, बोले लो बच्चे पानी पियो, मैं तुम्हें प्यास बुझाता हूं तुम्हारी, लेकिन एक बात तो बताओ बेटा, तुमको मैंने पहली बार देखा है, तुम जा कहां रहे हो। बोले एक बहुत पहुंचे हुए महायोगी आए हैं, मेरी मां ने भेजा है कि जाके उनसे एक प्रश्न पूछ के। अरे उसने कहा एक काम कर बेटा, एक प्रश्न
हाँ, ये तो दुनिया में लाइन लगी है, क्या करोगे, प्रश्नों की हर जगह, जहां चले जाओ वहीं कोई ना कोई प्रश्न, समस्या सब जगह है जीवन में, चाहे कहीं भी जाओ। उसने कहा, बाबा जी तुमको क्या समस्या है? बोले, बस मेरा एक प्रश्न पूछ लेना कि 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, जाके पूछ लेना। उसने कहा, भाई कितने गम है इस दुनिया में, ग्रस्त को गम हो तो हो, साधु संतों को भी दुख लगा हुआ। आगे बढ़ा, प्यास के बाद अब क्या लगेगी? हाँ सुरेंद्र कुमार जी, ऐसा लग रहा है तुम ही जा रहे थे। बोले, अब भूख लगेगी। आगे बढ़ा, बढ़ते गया, दोपहर हो गई, 3 बज गए, बड़ी जोरों से उसे भूख लगी। रास्ते में किसान था, हल चला रहा था, उसकी पत्नी कपड़े में बांध करके रोटी और भाजी लेकर के आती है, सब्जी लेकर के आती है अपने पति के लिए। इसे भूख लगी थी, ये टकटकी लगाए देख रहा था। किसान ने कहा, क्यों रे, भूखा है क्या? बोले, हाँ ले रोटी खा, ध्यान रखना। क्या जमाना था पहले का, कि कोई भूखा होता था तो अपनी थाली का भोजन उसको दे दिया करते थे। संत एकनाथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, हाथ पैर का मुख का आचमन किया, ध्यान लगाकर बैठे, भोजन की थाली सामने रखी है, भोजन की थाली रख के आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे। आंख खोली तो क्या देखते हैं संत एकनाथ, कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। संत ने आंखें खोली, थाली खाली, रोटी गायब। अरे उनने कहा, कहां गई मेरी रोटी, मैं तो परमात्मा का ध्यान कर रहा था और वो कुत्ता रोटी लेकर के। संत एकनाथ उठे, घी की कटोरी लेकर पीछे 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 जा रहे। हे प्रभु रुको, हे नारायण रुको, ठहर जाओ, कुत्ता तेज भाग रहा है। संत पीछे पीछे कटोरी लेकर के भाग रहे, अंत में कुत्ते को पकड़ लिया, रोटी मुंह में है। संत एकनाथ, लोगों ने कहा, कैसा संत है, कुत्ते से रोटी छुड़ाने को भाग रहा है। पीछे पीछे गए, जाकर के हाथ जोड़ा उस कुत्ते के, हे नारायण। बोले, क्या हुआ? लोगों ने कहा, ये कर क्या रहे हैं संत एकनाथ? कहा, हे नारायण, हे प्रभु, ये रूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, घी तो छोड़ गए हो, ये घी की कटोरी लो, लाओ तुम्हारी रोटी में घी लगा देता हूं, घी लगी रोटियां खाइए। अरे लोगों ने कहा, संत जी ये क्या कर रहे हैं आप, कुत्ते को घी लगा रहे हैं। मालूम है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और मनीषी कहती है, संत के मुंह से निकला, बारे प्रभु क्या ओढ़नी उड़ाई मुझे इंसान की, तुमने सकल बना ली स्वान की। हम तो वो लोग हैं जो जानवरों में भी भगवान के दर्शन किया। संत एकनाथ रोटी छीनने नहीं भागे, संत एकनाथ भागे कि घी लगी रोटी खाओ, तुम्हारा जीवन का आनंद आ जाएगा तुमको, ध्यान रखे। मान्य क्या लोग थे, आज तो ये देखते हैं कि आदमी बैठा है, घर ही नहीं जा रहा, ये जाए तो हम खाए, ध्यान रखे, मामला बड़ा गड़बड़ उल्टा हो गया है। पहले के लोग आवाज लगाते थे आंगन में जाकर कि मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही हो, जो भी भूखा इस मोहल्ले में हो, मेरे घर आए, भोजन ग्रहण करे, उसके बाद में भोजन ग्रहण कर। पहले के वो लोग हुआ करते थे, सोचते थे ना कि कोई आवे तो हम खावे, आज के सोचते ये जावे तो हम खावे, ध्यान रख, मामला बदल गया। क्या लोग थे पहले के। किसान ने उसे रोटी खिलाई, किसान ने पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो, उसने कहा फिर फंसे, रोटी तो खिलाई लेकिन बदले में, बोले मैं एक योगी के पास जा रहा हूं, एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा, बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। अरे लड़के ने कहा, यार जहां जा रहा हूं वहां एक समस्या खड़ी है, अरे मैं तो सोच रहा था कि समस्याएं मेरे ही घर में है, मेरी झोपड़ी में है, मेरी गरीबी में है, सेठानी के यहां समस्या, संत के यहां समस्या, किसान के यहां। बच्चे ने पूछा, क्या पूछना है? बोले ये पूछना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं, हल चलाता हूं, बीज बोता हूं, फसल बड़ी नहीं होती है, जो पेड़ लगे हैं मेरे खेत में इसमें फल नहीं आते हैं, संत से पूछना यहां फसल आएगी या। उसने कहा, ठीक है आपकी रोटी खाई है, पूछ लूंगा आपके लिए। बच्चा सोच रहा है, हर किसी के घर में दुख है। मान्य मनुष्य स्वयं एक मंदिर है, एक बात स्मरण में रखना,
तीर्थ स्थान है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है, एक बात याद रखना, मानव की सेवा सबसे बड़ी ईश्वर की आराधना हुआ करती है, इससे बड़ी ईश्वर की कोई पूजा नहीं। क्या सोचते हो किसी ट्रेन में बैठना कि मैं करोड़पति हूं तो टिकट नहीं लेगा? ध्यान रखना, गरीब भी ट्रेन से सफर तभी कर सकता है जब वो पैसा दान करता है, और अमीर भी प्लेन से सफर तभी कर सकता है जब वो पैसा, पैसों ने कुछ नहीं किया, जो मिलता है दुनिया में वो त्याग से मिला करता है। एक बात याद रखना, जो पेड़ अपने फलों को लुटाते हैं उनमें फिर से फल आ जाते हैं, वह खड़े रहते हैं सदियों। आम का पेड़ सदियों खड़ा रहता है, नीम के पेड़ सदियों खड़े रहते हैं, और जो पेड़ अपने फलों को छुपाते हैं, ध्यान रखना, दो तरह की वनस्पति होती है, एक वह है जो लुटाती है और एक वह है जो छिपाती है। जो लुटाती है उनमें लौट लौट कर फल आते हैं, और जो वनस्पति अपने फलों को छिपाती है, छिपाने वाली वनस्पति जमीकंद, आलू को छिपा के रखती है धरती के भीतर, प्याज को छिपा के रखती है, लहसुन को छिपा के रखती है, गाजर मूली छिपा के रखती है। जो फलों को छिपाते हैं वो जड़ से उखाड़े जाते हैं, और जो फलों को लुटाते हैं वो सदियों जीवन का आनंद मना। जड़ से उखड़ती है वनस्पति, आलू जड़ से उखड़ेगा, ध्यान रखना, प्याज जड़ से उखड़ेगी, लहसुन जड़ से उखड़ेगी, क्योंकि इनकी जोड़ने की प्रवृत्ति है, और आम जड़ से कभी नहीं उखड़ता, उसकी छोड़ने की प्रवृत्ति हुआ करती है। ध्यान रखिए, कमाना बुरा नहीं, दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानों का काम, सब पुण्य पाप का खेल है। चामुंडराय यदि अपनी दौलत से गोमतेश्वर बाहुबली की स्थापना ना करते तो अरबों की संपदा के बाद भी इतिहास में उनका नाम अमर ना होता। लेकिन जब चामुंडराय 57 फीट की मूर्ति स्थापित दक्षिण में कर देते हैं तो सारा युग उसे सातवां अजूबा कहकर के पूजा करता है। चामुंडराय का दानव धन वही है, जोड़ने का नाम धन नहीं, जो धन छोड़ा है हकीकत में वही धन हुआ करता है। जो जोड़ के रखता है वह मिट्टी है, और जो छोड़ा जाता है वो सोना हो जाया करता है। ध्यान रख, उत्तम त्याग, त्याग का दिन है आज, दान के गुण गाएंगे। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। त्याग का दिन है और दान के गुण गा रहे हैं। औषधि शास्त्र अभय आहार, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, अभी पूजा में पड़ा होगा। दान के गुण गा रहे, धर्म है त्याग का। त्याग और दान में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। दान दो के बीच होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में दो की जरूरत नहीं पड़ती है, त्याग कोई लेने वाला हो या ना हो, त्याग दिया तो त्याग दिया। दान पराधीन है, जब तक लेने वाला ना मिले दान कैसे करोगे आप? देने वाला ना मिले तब भी दान नहीं होगा। लेकिन त्याग स्वाधीन हुआ करता है, उसमें दो की जरूरत नहीं पड़ती। दानी को परिग्रही होना जरूरी है, त्यागी को परिग्रही होना जरूरी नहीं है। जब हो गई नहीं तो दोगे क्या? दानी को जोड़ना जरूरी है, और त्यागी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दान थोड़ा सा दिया जाता है अपनी कमाई हुई दौलत का, और त्याग थोड़ा नहीं, त्याग पूरा का पूरा कर दिया जाता है। दान में देने के बाद कुछ बचाया जाता है, त्याग में कुछ नहीं बचाया जाता, त्याग में तो छोड़ा ही छोड़ा जाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना छोड़ रहे हो, और त्याग में यह देखा जाता है कितना बचा रहे हो। ध्यान रखिए, दोनों में बड़ा अंतर हुआ करता है मेरे भाई, एक बार विचार करना। दान अच्छी चीजों का होता है, त्याग खोटी चीजों का होता है। दान तो अच्छी चीजें दी जाती हैं, त्याग खोटी। दो तीन चीज हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं इस दुनिया में जिनका दान होता है त्याग नहीं हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग होता है लेकिन दान नहीं हो सकता है।
चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग भी होता है और दान भी होता है, ध्यान रखिए।